हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑरेंज स्पून हिंदी। आज हम जा रहे सुरेंद्रपुरी। ये यादगिरी कुट्टा के पास में है हैदराबाद में। वो उसका सुरेंद्रपुरी के पास में, यादगिरी कुट्टा का पास में बहुत ज़्यादा दुकानें खाने के भी और होटल्स भी है। हरिता होटल भी है, गवर्नमेंट का है, तेलंगाना गवर्नमेंट का होटल भी है। आपको स्टे करना है वो होटल में स्टे भी कर सकता है, लेकिन ये वन डे ट्रिप पे मॉर्निंग जाके इवनिंग रिटर्न आ सकता है। ये हैदराबाद से 60 किलोमीटर है। इसका ज़्यादा बसेस भी है। 8 किलोमीटर डिस्टेंस में रायगीर रेलवे स्टेशन भी है सुरेंद्रपुरी की। ये सुरेंद्रपुरी वो एंट्रेंस में बहुत बहुत बड़ा बड़ा स्टैचू सब देख सकता है। देखो इंद्र जी पहले बहुत बड़ा स्टैचू है, वो फाउंटेन के बीच में है। वो एंट्रेंस में ये देखने के बाद वो बात में आ गया पंचमुख हनुमान। ये 5 फेसेस है हनुमान का। ये भी बहुत बड़ा स्टैचू है। वो हनुमान का पीछे वो शिवा का स्टैचू भी है। एक साइड हनुमान, एक साइड शिवा है। वो ये सब एंट्रेंस में है। सब देखने के बाद अभी हम जा रहे पार्किंग के लिए। ये पार्किंग में बहुत बड़ा जगह है। अभी ये सुरेंद्रपुरी में रेस्टोरेंट भी ओपन है, पहले नहीं था, अभी कोरोना के बाद ओपन है। ये 20 रुपीज़ है पार्किंग का टिकट। ये वो ग्राउंड का फुल व्यू। ये बहुत बड़ा ग्राउंड है। इधर ऐसे 2-3 दुकान भी है, वाटर बॉटल, जूस, आइसक्रीम्स, लस्सी, ये सब मिल जाएगा ये दुकान में। ये टेम्पल है लेफ्ट साइड में है, और टेम्पल के वो साइड में वॉशरूम भी है। टेम्पल का एंट्रेंस आप देख सकता है, बहुत बड़ा आदिशेषन बोल के वो बड़ा स्नेक है ना, स्नेक के ऊपर ब्रह्मा विष्णु शिवन वो ऊपर है। ये बहुत बड़ा एंट्रेंस गेट है। आप बाहर से अंदर व्यू भी देख सकता है। आपको कलरफुल दिख रहे ना, ब्लू, व्हाइट, रेड, ऐसे कुछ। वो नवग्रह का वो मंदिर है। वो एक एक नवग्रह का एक एक सेपरेट है। एक छोटा कोशाला भी है। अभी हम अंदर आ गया। अंदर शू स्टैंड है, एक चप्पल का 1 रुपये टिकट। ये कोसाला में कोमाता है ना, कोमाता के लिए कुछ ये मिल जाएगा, एक पैकेट 20 रुपीज़। वो पूरा वो सीड्स पसल्स को वो पानी में सोख करके रख दिया। और 2-3 छोटा छोटा दुकान भी है अंदर। ये बहुत बड़ा पेड़ है, उसका नीचे ऐसे स्टोन बेंच भी है, वो पेड़ के नीचे आराम से बैठ सकता है। ये साइड में, राइट साइड में ड्रिंकिंग वाटर है, वो लेफ्ट साइड में उसका प्रसाद काउंटर है। उसका प्रसाद मिल जाएगा, लड्डू वगैरह। और इधर दिया के लिए कुछ घी दिया ये कुछ वो मिल जाएगा। वो बाजू में एक ग्रास है, ये कोमाता के लिए 10 रुपीज़ से एक कट्टा। ये ना हम लेके आया 20 रुपीज़ का। ये ब्लैक चना मूंग दाल वो पानी में सोख करके रख दिया, एक पैकेट 20 रुपीज़ से। और ग्रास का कट्टा 10 रुपीज़ से एक। वो देने के बाद हम आशीर्वाद भी ले लिया। अभी हम जा रहे नवग्रह सन्निधि। वो उसमें वो सूर्य भगवान, चंद्र भगवान, वो मार्स, मेरकुरी, बुधन, गुरु, वो
शनि, राहु, केतु, वीनस सब है, सबका अलग अलग है। वो कौन सा का किसका कलर है वो कलर में गेट भी बन गया, वो गेट के पास में कुछ डिटेल्स भी है, लेकिन वो सब तेलुगु में है। सब में गेट डाल के वो लॉक भी है गेट। उसके बाजू में एक पेड़ में इसे ज़्यादा ऐसे कुछ राहु केतु जैसा ज़्यादा स्टैचू भी है और बीच में हनुमान भी है। ये सब देखने के बाद हम आ गया ये मंदिर। मंदिर के सामने एक बड़ा कलरफुल एक आर्च है, आप देख सकते हैं बहुत बड़ा और कलरफुल आर्च। ये मंदिर में तीन कंबम में क्योंकि तीन भगवान है शिवा, हनुमान और बालाजी, तीन एक ही मंदिर में है इसलिए तीन कंब में। ये मंदिर का अंदर व्यू, वो लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड है वो शिव मंदिर है। वो स्ट्रेट में पंचमुख आंजनेय हनुमान जी है, वो राइट साइड बालाजी का है। अभी हम ये शिव मंदिर जाना है, शिव मंदिर में हम अपने आप अभिषेक कर सकता है, उसका 253 रुपीस है। हनुमान का वो पैर का बाद पूजा कर सकता है, पैर का पूजा कर सकता है, उसको भी 253 है। वो बालाजी का भी कुमकुम पूजा कर सकता है, उसका 152 है। लेकिन शिवा मंदिर के अंदर अलाउड है, बाकी बालाजी का हनुमान का बाहर थोड़ा पूजा का अलाउड है। अभी शिव मंदिर में पूजा हम स्टार्ट कर दिया, वो अभिषेक पहले पानी डाल के पूरा अभिषेक किया, हमने खुद कर सकता है। अभी ये विभूति है ना, वो ऐश बोलता है ना शिवा का प्रसाद, वो डाल के पूजा किया। ంగంపతివేష్టితలింగం రక్షసుజ్ఞవినాశనలింగం తణమామి సదాశివలింగం కుంకుమచందనలేపితలింగం పంకజహారసుశోభితలింగం। ये मंदिर वो फुल डे ओपन है 6 to 8, लेकिन मंडे टू फ्राइडे आफ्टरनून 1 o'clock से 3 o'clock तक क्लोज है, और सैटरडे संडे में मॉर्निंग से रात तक ये ओपन है। सैटरडे संडे में आफ्टरनून क्लोजिंग नहीं है, बाकी मंडे टू फ्राइडे तक आफ्टरनून 1 to 3 क्लोजिंग टाइम है। आप सुरेंद्रपुरी आ गया ना, ज़रूर ये मंदिर को आज कीजिए, वो इसे अभिषेक कर सकता है। ये बहुत अच्छा मंदिर है, वो बालाजी का हनुमान जी का भी आप वो पाद पूजा और कुमकुम पूजा कर सकता है। अभिषेक अलंकार सब करने के बाद अभी कुछ अगरबत्ती दिया भी चल गया, वो सब हम खुद किया था।
मैं आपके लिए वो परमिशन लेके ये वीडियो शूट करके लेके आया, आप भी वो देख सकते हैं। आप सुरेंद्र ब्रिज आएगा ना, जरूर ये मंदिर को विजिट कीजिए। सुरेंद्रपुरी में देखने के बहुत ज़्यादा आए हुए, और लेकिन अभी पहले मंदिर को हम देखने के बाद बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देख सकता है। सुरेंद्रपुरी का नेक्स्ट वीडियोस बहुत ज़्यादा है देखने का वीडियो, इतना बड़ा 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 चीज़ है सुरेंद्रपुरी में देखने के लिए। आप हैदराबाद आ गया ना, ज़रूर सुरेंद्रपुरी का विजिट कीजिए एक टाइम। अभी हम पूरा अभिषेक अलंकार करके पूजा करके बाहर आ गया। वो नेक्स्ट वीडियो जरूर देख लीजिए सुरेंद्रपुरी का, उसमें बहुत ज्यादा चीज देखने के लिए आपको मिल जाएगा।